close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello friends, welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है करवा चौथ के लिए. आप चाहें तो इसे डे में वेयर कर सकते हैं या नाइट में वेयर कर सकते हैं. अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें. और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है या कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रखा है और फेस मेकअप से पहले मैं अपना आई मेकअप करूँगी. आई मेकअप के बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की फुल कवरेज मेकअप पॉट और इसमें मेरा जो शेड है वो है 4. बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का रोज पाउडर क्योंकि ये एक लूज पाउडर है और हमें इस मेकअप को काफ़ी लंबे टाइम के लिए अपने फेस पे रखना है. तो आप भी इस ट्रिक को ट्राई करें, कॉम्पैक्ट के बजाय लूज पाउडर से अपने मेकअप को सेट करें उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए. आईज़ के लिए आज मैं 2 आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी और दोनों ही मार्स के आई शेडो पैलेट हैं. उनके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो मेक श्योर आप उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें. पहले एक लाइट ब्राउन मैट कलर को मैं अपनी पूरी आई लिड पर अच्छे से अप्लाई करूँगी और ये मेरे मेन आई शेडो का बेस होगा. आई शेडो के मेन कलर के लिए मैंने 2 कलर्स को मिक्स किया है. फर्स्ट है पिंक शिमरी शेड और सेकेंड है येलो शिमरी शेड और इन दोनों को मिक्स करके मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी आईलिड पे प्लेस करूंगी क्योंकि जो शिमरी शेड होते हैं वो फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से पिक होते हैं. ये है मेरा फाइनल आई शेडो कलर. आईब्रोज को फिलिंग करने के लिए भी मैं सेम आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैट ब्लैक कलर और मैट ब्राउन कलर को मिक्स करके मैं अपनी आईब्रोज को फिलिंग करूँगी एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से. फेस के बेस मेकअप के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन और इसमें जो मेरा शेड है वो है 01. इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से डॉटेड फॉर्म में अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी. फेस मेकअप को सेट करने के लिए भी मैं सेम लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ. आपके पास जो लूज पाउडर अवेलेबल हो आप उससे अपने मेकअप को सेट कर सकते हैं. अपने आईशैडो लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं सेम पिंक कलर को एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे भी अप्लाई करूँगी जिससे जो मेरा फेस मेकअप है या जो मेरा आई मेकअप है वो कम्प्लीट हो जाए. ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स का अल्ट्रा ब्लश पैलेट और इसमें से पीच और पिंक कलर को मिक्स करके मैं अपने चीक्स को हल्का सा कलर दूंगी. हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स का शिमर ब्रिक और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी. मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेवलिन का द हाई फॉल कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा और इसके 2 से 3 कोट मैं अपनी लैशेस पे अप्लाई करूँगी. सेम हाइलाइटर पैलेट से मैं अपने फेस के हाई पॉइंट को भी हाईलाइट करूँगी जिससे मेरे फेस पे एक एक्स्ट्रा ग्लो ऐड हो जाए और मेरा मेकअप जो है वो और अट्रैक्टिव लगे. काजल के बिना कोई भी मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होता है. स्पेशली मेरा मेकअप तो काजल के बिना अधूरा है इसलिए काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल.
लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NY बे की मैट लिक्विड लिपस्टिक और इसमें मेरा शेड है 3। अगर आप करवा चौथ का मेकअप कर रही हैं तो अपनी लिपस्टिक को थोड़ा सा बोल्ड ही रखें, जिससे आपका मेकअप जो है वो पॉप ऑफ हो और आपका फेस अट्रैक्टिव लगे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने इसे लुक को येलो साड़ी के साथ कैरी किया है, बट आप इस मेकअप लुक को किसी भी कलर के ड्रेस के साथ या साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं। ये एक वर्सेटाइल लुक है, क्योंकि जो पिंक और गोल्डन का मिक्स होता है वो हर ड्रेस के साथ जाता है। आप कोई भी ड्रेस पहने उसके साथ ये मेकअप लुक कैरी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।